मुस्लिम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन सोमवार को मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलादुन्नबी के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय मोहम्मदी चौक तौड़ा से एक मोहम्मदी जुलूस निकाला गया, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुंजपुरा स्थित गरीब शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर पहुंचा, जहां पर चादर पेश की गई। देश प्रदेश और नगर में अमन चैन रहे, इसके लिए दुआ की गई। लंगर के आयोजन के पश्चात समाप्त हुआ जुलूस में बैंड बाजे डीजे पेश, इमाम हाजी साहेबान सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल थे। जुलूस में आकर्षक आतिशबाजी की गई। जुलूस में शामिल युवा अलम लहराते हुए सरकार की अमाद मरहबा, हर देश में गूंजेगा ये रसुल्लाह नारा ए रियासला या रसुल अल्लाह नारा ए तकबीर अल्लाह को अकबर आदि नारे लगाते हुए चल रहे थे। जुलूस मार्ग पर आने वाली सभी दरगाह पर चादर पेश की गई। जुलूस का रास्ते में फल फ्रूट वितरित की और पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। एहतियात के तौर पर जिले से पुलिस बल के साथ SDOP दीपा मंडावे, तहसीलदार मनीष जैन, TI श्याम चंद्र शर्मा, सोनकच्छ से रुपेश सिंह की रिपोर्ट। सल्लम ने हमको हमेशा प्यार मोहब्बत से एक साथ रहने का जो है पैगाम दिया है, और हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें। मैं अपनी ओर से, मुस्लिम समाज की ओर से आप सभी हिंदू भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा हम आपके भाईचारे से हर त्यौहार को मनाते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। यही आशाओं के साथ मैं आपको अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से, अपने परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।